मैं पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। ये अजे भी जेरे मश्क है, ताजा तरीन नज़्म है, और इससे भी जिक मैं मुश्किल तर्ज मुश्किल बदले शुरू कुछ लफ्ज देते थे। देख लो मेरी दीगर भी जितनी नज़्मा ने बनिस्बत दीगर रवायती ज़ाकरीन दियो कतन मुख्तलिफ होंदियां ने, और ये भी मुख्तलिफ बंदिश है। देखो चूंकि कुन सरगाने दा ज़हीन इज्तमा और सखम शरात इज्तमा मेरे सामने मौजूद है, इस वास्ते गल कर रहा हूं। जेड़े साहिबान ने मुताला नहीं होते जानते ने, मैं जेड़े मेरे जैसे सादा लोग बैठे ने मैं उन्होंने वास्ते गल कर रहा हूं कि किसी शायर वास्ते अपनी मतलूबा बहर च लिखना, यानी उन्हें जेड़ी बहर जेड़ा वजन पसंद है उस उत्ते एक शेर दो शेर सैकड़ों भी लिखता है, कोई मुश्किल नहीं अगर जो शायर है। लेकिन किसे बनी हुई तरह से किसे बंदिश से किसे जाबते जिथे छोटे छोटे जुमले भी इस्तेमाल किया जाए और गल का तसलसल भी कायम रहे ते नतीजा भी पेश करे, ए शायद नहीं यकीनन मुश्किल है। ये मैं तुम दस रहा वाह वाह। इसे तरह एक मुश्किल बंदिश नूं मैं अल्फाज दिते ने मान और मफहूम ते शेरां दी मार्फत तुहाडे तक पहुंचेगा ही, लेकिन मैं इस गल दी निशानदेही कर रहा, मैं अर्ज खिदमत कर रहा। लेकिन चूंकि मैं मुश्किल पसंद हां, मैं बैसीयत इक जाकिर दे एक अदना सना खाने अहले बैत दे मैं मुश्किल पसंद हां, इससे बावजूद मैंने कभी परेशानी घबराहट नहीं हुई क्योंकि मेरा ईमान है कि किस घड़ी किस वक्त किस दम कब न था लुत्फ व करम, किस घड़ी किस वक्त किस दम कब न था लुत्फ व करम, मेहरबानी अपने किस किस हाल में शामिल न थी। और सुनना कि वक्त मुश्किल जब पुकारा मैंने ऐ मुश्किल कुशा, फिर वो मुश्किल ऐसी मुश्किल थी कि कुछ मुश्किल न थी। तो मैं पेश कर रहा तो सबर एक नई चीज खिदमत आले एक सलवात पर लोग गूंज के सरशार होके मोहब्बत आले बैत दे विच सूरत चल हो सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। तो भाई मेरा काफिया है आने वाला, एक काफिया है तवज्जो रखना। मैं आखिर सजदा करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला, तवज्जो रखना। हाँ भाई सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजद करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। सजदे में है सारा जहां, आते में है सारा जहां, आने को है इमाम अब्र करम। अल्लाह की कसम सारे आलम पे है छाने वाला। जरा तवज्जो फरमानी है, तवज्जो की जरूरत है, मैनू पूरी तवज्जो थे।
इश्क नाल सुनन दी जरूरत है। सुभान अल्लाह, मतलब फिर करो शुरू करो। मैं शुरू तो फिर सारा मसला पढ़ रहा हां भाई। सजदा करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। हाँ सजदा करो करते ही रहो राधी जब तक ना हो आने वाला। सजदे में है सारा जहां आने को है इमाम अब्र करम। अल्लाह की कसम सारे आलम पे है छाने वाला। दिल लगा कुछ सुभान अल्लाह। पहला शेर पीछे खिदमत है। हाँ भाई, बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की झोली भरेगा शहनशाह सारे मवालियों की। आज दियो रात है हासिल करन दी रात है। हाँ भाई, बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की झोली भरेगा शहनशाह सारे मवालियों की। बिगड़ी बनेगी आज जब सारे हलालियों की झोली भरेगा शहनशाह सारे मवालियों की। जन्नत के वारस की खातिर सजाया है खालिक ने अरशे भरी। हो जन्नत के वारस की खातिर सजाया खालिक ने अरशे भरी। जाके आया है ताज दिल भरे अस्करी नाने वाला। बहुत मेहरबानी सर पे सजा के। सुभान अल्लाह, सर पे सजा के आया है ताज दिल भरे अस्करी नाने वाला। मेरा काफी आया है आने वाला फिर आखो भाई। हाँ जी, बिगड़ी बनेगी मेरे अगला। हाँ जी, अगला शेर थोड़ो ठीक है भाई। हाँ जी, सलवात की बरसात है ऐवान अस्करी में कायम सखी का जश्न है बरपा गली गली में। लो भाई, इससे भी जेड़े मैं नतीजे विच सामने गल है, नतीजे की गल है, उसनु मंजिल बना के सुनना है, मंजिल बना के तवज्जो रखना। हाँ भाई, सलवात की बरसात है ऐवान अस्करी में कायम सखी का जश्न है बरपा गली गली में। सलवात की बरसात है ऐवान अस्करी में कायम सखी का जश्न है बरपा गली गली में। जो भोंकते थे नबी और अली को जहन्नुम में वो जाएंगे। हाँ, जो भोंकते थे नबी और अली को जहन्नुम में वो जाएंगे। नस्ल उमैया का हर नफर नारे दोज़ख में है जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे के पढ़ने अगला, अगला के पढ़ने अगला पढ़ते मैंने मैंने फरमाया है। फिर पढ़ा, फिर पढ़ो भाई, फिर पढ़ो सब दिखाए थे। हाँ भाई, सलवात की बरसात है ऐवान अस्करी में कायम सखी का जश्न है बरपा गली गली में। जो भोंकते थे नबी और अली को जहन्नुम में वो जाएंगे। हाँ, जो भोंकते थे नबी और अली को जहन्नुम में जो जाएंगे। नस्ल उमैया का हर नफर नारे दोज़ख में है जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यह जेडे मौजूदा मुल्क के हालात ने दहशतगर्दी का दौर नफरत का दौर अखलाकियात खत्म होंदिया जा रही ने तवज्जो मेरे पास। और फिर
ऐसिया अनहोनिया मर्जा ने सानू घेर लिया दुनिया ने हर बचन जे मौजूदा हालात ने इसकी वजह क्या है तवज्जो रखना मेरे पास। हाँ भाई छाई हुई दारन में जितनी वीरानिया है कायम सखी के आन की सारी निशानिया है। किताबा पढ़ो उलमा तू पुछो सरकार दे आमन तो पहले हालात जेड़े ने दिगर गु होंगे जो सरकार दे आमन है। हाँ भाई छाई हुई दारन में जितनी वीरानिया है कायम सखी के आन की सारी निशानियां है। छाई हुई दारन में जितनी वीरानियां है कायम सखी के आन की सारी निशानियां है। आबाद सारे इबादत कदों को करेगा मेरा शहनशाह। हाँ आबाद सारे इबादत कदों को करेगा मेरा शहनशाह। नफरत के मकान आ रहा है अभी धाने वाला नारा नारा मेरे मुसलमान